हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है हमारे बीच। तो गुड न्यूज ये है दोस्तों, मैंने YouTube शॉर्ट्स को लेकर के बहुत सारे वीडियोज बनाया है। और पहले एक वीडियो पे जब YouTube शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था, उस टाइम मैंने बताया था कि YouTube शॉर्ट्स पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको ना ही कोई अर्निंग होगा और ना ही उसका वॉच टाइम काउंट होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुड न्यूज देने वाला हूं कि YouTube शॉर्ट्स पे जो है, अब YouTube शॉर्ट्स वीडियोज पे आप इनकम भी कर सकते हो, अर्निंग भी होगा, एड भी आएगा, प्लस आप YouTube शॉर्ट्स से जितने भी व्यूज आएंगे उसका वॉच टाइम भी काउंट होगा, जिससे आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा पाओगे। लेकिन दोस्तों, ये सब होने का जो ये है कंडीशन है कुछ, ठीक है, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को आप फॉलो करेगा तो ही होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मली मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, मेरा अर्निंग भी होने लगा और वॉच टाइम भी काउंट होने लगा, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको आखिर करना क्या होगा, जिससे आपका अर्निंग भी होगा शॉर्ट्स वीडियो से, वॉच टाइम भी काउंट होगा, प्लस शॉर्ट्स वीडियो का रीच भी काफी ज्यादा है तो आपका चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। सो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहना, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, YouTube शॉर्ट्स जो है, एक मिनट से अगर कम आपका लेंथ रहता है वीडियो का तो वो शॉर्ट्स के अंदर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसा शॉर्ट्स वीडियो जब किस तरह से व्यूज आएगा जिससे आपका वॉच टाइम काउंट होगा, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोग जानते होंगे कि YouTube शॉर्ट्स का एक सेक्शन बना हुआ है YouTube के एप्लीकेशन पर, जहां पर आप शॉर्ट्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोज ही आएंगे। आप TikTok पे जैसे स्वाइप अप करते हुए वीडियो देखते थे, वैसे ही आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर के स्वाइप अप करते करते वीडियोज को देख सकते हो। तो वैसे में अगर आपने कोई शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है और कोई शॉर्ट वाले सेक्शन में जाकर के आपकी वीडियो को देख रहा है तो आपकी उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। शॉर्ट्स वाले सेक्शन से अगर कोई आपकी वीडियो को देख रहा है तो आपका वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपका कोई दूसरे तरीके से अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो किसी के पास जाता है और वो देखता है, लाइक ब्राउज फीचर। ब्राउज फीचर का मतलब होता है कि होम पेज पे जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे वीडियोज आते रहता है, हमें जो इंटरेस्ट होता है वो हम क्लिक करके देखते हैं। तो ऐसे ब्राउज फीचर में भी शॉर्ट्स वीडियो भी अभी ब्राउज फीचर में भेजता है YouTube। तो अगर वैसे ब्राउज फीचर में अगर कोई ब्राउज कर रहा है, होम पेज पे कोई स्क्रॉल कर रहा है, उस बीच में अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो आ गया और वहां पर वो किसी ने क्लिक करके आपके वीडियो को देखा तो उसका वॉच टाइम आपका काउंट होगा। ब्राउज फीचर में जो भी आएगा भी वो काउंट होगा। सजेशंस के थ्रू अगर कोई वीडियो देखता है, मान लीजिए मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप और इस वीडियो के नीचे आपको बहुत सारा वीडियो सजेशन में मिलता होगा, तो वो नीचे में अगर आपका शॉर्ट वीडियो आ जाता है और सजेशन के थ्रू भी अगर कोई देखता है तो भी वॉच टाइम काउंट होगा। अगर कोई सर्च करके देखता है, मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपने शॉर्ट वीडियो बनाकर रखा है और वो टॉपिक कोई सर्च किया यूट्यूब पर, आपका वीडियो आ गया और उसके थ्रू आपके वीडियो को क्लिक करके उन्होंने देखा तो भी आपका वॉच टाइम काउंट होगा। सिर्फ आपका शॉर्ट्स वाले सेक्शन से अगर कोई वीडियो को देखता है तो नहीं होगा। अदरवाइज आपका कोई भी थ्रू से अगर आपका वीडियो कोई देखता है तो आपका वॉच टाइम काउंट होगा। ये हो गया पहला कंडीशन वॉच टाइम को लेकर। अब अर्निंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, अर्निंग आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अब शॉर्ट्स वीडियो जो एक मिनट से कम है उस पर भी एड आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि यूट्यूब पे अगर आप लोग डायरेक्टली शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब के म्यूजिक के यूज करते हो, शॉर्ट वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है, जो कैमरा होता है वहां पर क्रिएट अ शॉर्ट का ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्लिक करके अगर आप यूट्यूब के म्यूजिक के यूज करते हो और शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको उसमें क्या होता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, या फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं भी आएगा तो भी आपके उस वीडियो को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यूट्यूब के म्यूजिक को यूज किया है शॉर्ट्स वाले सेक्शन से। तो इस तरह से आप म्यूजिक अगर यूज करोगे तो आपका नहीं होगा। अदरवाइज आप कहीं दूसरे साइड से म्यूजिक ऑलरेडी पहले डाल दो, एडिट करके अपलोड कर दो, या फिर NCS के थ्रू, या फिर म्यूजिक जो YouTube का ऑडियो लाइब्रेरी होता है जहां पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलता है, या फिर NCS जो YouTube चैनल वहां पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलता है, वो सब अगर आप म्यूजिक को यूज करते कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हो, या फिर कोई भी म्यूजिक नहीं यूज करते, जैसे मेरा ये वीडियो है तो इसमें तो मैं कोई म्यूजिक यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूं, तो ऐसे में भी अगर मैं कैमरा इस तरह करके वर्टिकल करके अगर मैं एक मिनट से कम का वीडियो बना लूं और कुछ नॉलेज दूं और उसमें मैंने कोई भी म्यूजिक नहीं लगाऊं तो वो वाले वीडियो को मैं मोनेटाइज भी कर सकता हूँ, उस पर मेरा एड भी आएगा और उसमें मेरा डॉलर भी अर्निंग होगा, ठीक है। तो लेकिन डॉलर की जो अर्निंग होती है वो आपका जो नॉर्मल वीडियो होता है 4-5 मिनट का, उससे कम होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं क्लियर, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो ये है गुड न्यूज, जहां पर आप लोग अर्निंग भी कर सकते हो, म्यूजिक यूज नहीं करना है, सेकंड आपका वॉच टाइम काउंट होगा, अगर आपका शॉर्ट वाले सेक्शन से अगर आपका कोई वीडियो देखता है तो नहीं होगा, अदरवाइज आपका कोई भी तरीके से आपके वीडियो को देखता है शॉर्ट वाले तो आपका वॉच टाइम भी काउंट होगा। तो कैसा लगा आज का आपको लोगों को ये अपडेट, काफी ज्यादा बेहतरीन अपडेट था। तो अब जो है रेगुलरली आप लोग शॉर्ट्स वीडियोज भी अपलोड करना शुरू कर दो, क्योंकि बेनिफिट सब तरफ से है और शॉर्ट्स वीडियो का रीच ज्यादा है, यूट्यूब अभी बहुत ज्यादा उसको रीच दे रहा है, आपका चैनल भी ग्रो करेगा, बहुत सारा वीडियो वायरल भी हो जाता है, यहाँ तक कि मेरा ही किसी ने शॉर्ट वीडियो बनाकर रखा हुआ मनोज गर्लफ्रेंड करके, आप लोग देखना 2 मिलियन व्यूज है, 1.8 मिलियन, जो कि मेरा खुद का चैनल पर नहीं आता है, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो का जो है रीच वो काफी ज्यादा है, तो शॉर्ट वीडियोज भी अपलोड करना शुरू कर दो और मेरे भी चैनल पर आप रेगुलरली आप लोगों को शॉर्ट वीडियोज भी मिलता रहेगा। कुछ भी अगर छोटा मोटा अपडेट आएगा तो वो मैं शॉर्ट के थ्रू ही आप लोगों को बता दूंगा, जिससे क्या होगा ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको तुरंत से अपडेट मिल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में उम्मीद करूंगा आप लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ अच्छा मिला है। आप लोगों को बताइए जो अपडेट है वो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट पे, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही मुझे इंस्टा फॉलो जरूर कर लेना, मेरे यूजर नेम है मोनेजा23 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।